ना तो मैं कोई रानी हूँ और ना ही मैं कोई राक्षसी, मैं हूँ मौत की देवी। मैं वो अनहोनी हूँ जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, किसी भी मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका विलेन, और जब बात आती है सुपर हीरो मूवीज की तो जरूरी होता है एक सुपर विलेन। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में हमने अब तक बहुत से विलेन्स देखे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे विलेन हैं जो कि फैंस को इम्प्रेस कर पाए हैं, जिनमें सबसे आगे है थैनोस और हेला। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? आज हम थैनोस और हेला का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आइए देखते हैं। हेला और थैनोस, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एमसीयू के अब तक के सबसे दमदार विलेन साबित हुए हैं। इन दोनों की ताकत अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। थैनोस और हेला का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेला की। हेला को अपनी सारी शक्तियाँ एसगार्ड से मिलती है। एसगार्ड मतलब वहाँ के लोगों से नहीं, बल्कि उस जगह से। एसगार्ड में होने पर हेला की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है। उसकी बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ओडिन की पहली संतान होने की वजह से हेला में इस कदर ताकत है कि उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। उसने आसानी से सभी वेलकरीज को मार दिया था, यहाँ तक कि उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को भी अकेले ही ठिकाने लगा दिया। हेला के सामने थॉर भी कमजोर है। उसने म्यूनिर जैसे खतरनाक हथियार को भी आसानी से चकनाचूर कर दिया। अब यहाँ पर बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि हेला ने म्यूनिर कैसे तोड़ा। इसका रीजन ये है कि हेला म्यूनिर को उठाने के काबिल नहीं थी, इसीलिए उसने हथौड़े को हवा में ही रोक के रखा था। और हेला थॉर से ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए वो म्यूनिर को तोड़ पाई। हेला की ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग पावर की बात करें तो एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। उसे किसी भी हथियार से घायल करना बहुत मुश्किल है। अगर वो जख्मी हो भी जाए तो वो पल भर में ठीक हो जाती है। उसमें इतना स्टैमिना है कि पूरी आर्मी से लड़ने के बाद भी वो थकती नहीं। हेला के खास हथियार है उसके चाकू छुरी, जिसे नेक्रो स्वॉर्ड्स कहा जाता है। वो अपनी बॉडी से किसी भी टाइप का वेपन बना सकती थी, जैसे कि तलवार, भाला, कुल्हाड़ी और बहुत कुछ, वो भी अनगिनत। ये हथियार इतने खतरनाक है कि इनसे आसानी से किसी को भी मारा जा सकता है। इसी की वजह से थॉर को अपनी एक आग गंवानी पड़ी थी। इस सब के अलावा हेला के पास मैजिकल पावर्स भी है, इसीलिए वो इटर्नल फ्लेम से अपनी मरी हुई सेना को जिंदा कर पाई थी। ये सब तो हुई हेला की बात। थैनोस की पावर्स की बात करें तो थैनोस के पास भी कमाल की स्ट्रेंथ है। थैनोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने हल्क जैसे खतरनाक क्रिएचर को भी आराम से हरा दिया था, वो भी बिना पावर स्टोन के, और उसने लोकी को आसानी से मार दिया। थैनोस ने टेसरे क्यूब को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। वो अकेले ही कई पावरफुल लोगों को संभाल सकता है। उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और आयरन मैन के सबसे पावरफुल आर्मर को भी उसने आसानी से तोड़ दिया। एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में भी थैनोस बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के सबको कड़ी टक्कर दे रहा था। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो एक ऐसा एलियन है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर सकता है, वो भी पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। यहाँ तक कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही धूल बना दिया, लेकिन उतनी खतरनाक एनर्जी से भी थैनोस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने दोबारा चुटकी बजाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, तब भी वो जिंदा बच गया। थैनोस को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आयरन मैन ने जब उस पर कई बार वार किया तब उसे जरा सी खरोच आई। थैनोस साइज में काफी बड़ा और भारी भरकम है, लेकिन फिर भी उसके एक्शंस बहुत फास्ट है, इसीलिए उसने हल्क को लड़ने का मौका ही नहीं दिया और उस पर काफी स्पीड में हमला करके उसे हरा दिया। थैनोस का खास हथियार है उसकी डबल एज स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो सबको बुरी तरह मार रहा था। उसने इस स्वॉर्ड से थॉर और आयरन मैन की कंबाइन पावर को भी आराम से संभाल लिया। थैनोस दूसरे हथियार भी अच्छी तरह चला सकता है, और इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इस सब के अलावा थैनोस का दिमाग बहुत तेज है। उसकी स्ट्रेटेजी और प्लान इतने बढ़िया होते हैं जिसमें उसका जीतना तय होता है। वो पहले से ही किसी के भी एक्शंस का अंदाजा लगा लेता है। थैनोस एक बढ़िया लीडर है और वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो अब बात करते हैं कि हेला और थैनोस में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि थैनोस हेला से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही हेला दिखने में थैनोस से कमजोर लगती है, लेकिन वो है नहीं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बेशक थैनोस हल्क से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो थॉर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में थॉर थैनोस से इसीलिए हारा था क्योंकि तब थैनोस ने पावर स्टोन का यूज किया था, और थैनोस के साथी भी उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन बिना इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस थॉर से हार जाएगा। पर हेला थॉर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हेला ने एसगार्ड की पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था, लेकिन थैनोस को सिर्फ 5-6 लोगों ने ही मिलकर कंट्रोल कर लिया था। भले ही थैनोस की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसे घायल किया जा सकता है, इसीलिए वो आर्मर पहनता है। लेकिन हेला के पास कोई भी आर्मर नहीं है,
उसकी हीलिंग पावर ही बहुत जबरदस्त है। थैनोस को बिजली से काबू किया जा सकता है, लेकिन जब थॉर ने हेला को सबसे जोरदार बिजली का झटका दिया तब भी हेला को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पीड के मामले में हेला थैनोस से बहुत आगे है, इसका रीजन है उसकी बॉडी। थैनोस अपने भारी शरीर के साथ हेला का मुकाबला नहीं कर सकता। थैनोस को लड़ाई के लिए अपने पास एक हथियार रखना जरूरी है, वो खाली हाथ ज्यादा देर तक किसी से लड़ नहीं सकता। पर हेला को अपने पास अलग से कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही कभी भी कोई भी हथियार बना सकती है। हेला की पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उसने म्यूनिर जैसे पावरफुल वेपन को भी आसानी से तोड़ दिया था, जबकि थैनोस को कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड तोड़ने के लिए कई बार वार करना पड़ा था, लेकिन हेला ने वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग मेटल उरु को बिना किसी मेहनत के ही तोड़ दिया। हेला के पास मैजिकल पावर्स का भी एडवांटेज है, लेकिन थैनोस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। बिना इन्फिनिटी स्टोन्स और बिना अपनी आर्मी के थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हेला को ना तो कोई इन्फिनिटी स्टोन की ज़रूरत है और ना ही कोई फौज की, इसीलिए इन सब बातों से ये कन्फर्म हो जाता है कि हेला थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सटर हेला से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो हेला को मार पाया। इसका मतलब सटर भी थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये था हेला और थैनोस का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.